Nice. शेजी, मुझे लगता है तुम्हें वाइट पहनना चाहिए. उसमें ना तुम बिल्कुल एंजल लगोगी. एंजल? वरदा, कल को तुम बाइक पे बैठ के आके मुझे छेड़ने ना लग जाना. तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो. नहीं, मैं सीरियस हूँ. वैसे पता है, ऑरेंज भी अच्छा लगेगा तुम पे. ऑरेंज? ओ गॉड वरदा, प्लीज तुम रहने ही दो. अच्छा बताओ मैं क्या पहना करूं? मास्क. मास्क? कैसा मास्क? ब्लैक मास्क. वो उससे तुम्हारे ब्लैकहेड्स रिमूव हो जाएंगे ना. मेरे ब्लैकहेड्स हैं? नहीं वरदा, कुछ भी नहीं है. अच्छा बताओ फैजान को देखा है? हाँ देखा है. कहाँ है? मुझे क्या पता. अभी तो तुमने कहा तुमने देखा है. देखा है मतलब मैंने उसे पहले देखा हुआ है. कहाँ है वो ये मुझे नहीं पता. वैसे पता है, मुझे भी नहीं पता. वरदा फ्री हो तो? मैं हर किसी के साथ फ्री नहीं होती. कैसा? वाह वरदा वाह, क्या बात कर दिया तुमने. अगले 15 मिनट तक अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, चुप करके फाल से खाओगी बस. ओके. फैजान, मेरे पास एक आइडिया है. हाँ. हम क्यों ना प्लांट लगाएं? प्लांट लगाने के बाद हम रातों रात खरबपति हो जाएंगे. अरे वाह यार, एक प्लांट से हो जाएगा. एक काम करते हैं, एलोवेरा लगाएंगे. ओ जाहिल, मैं गैस के प्लांट की बात कर रहा हूँ. गैस का प्लांट? सिर्फ हमने करना यह है कि एक गैस का प्लांट लगाना है, उसमें गैस की लाइन चोरी करके डालनी है और किसी को कानों कान खबर नहीं होगी और हम अमीर हो जाएंगे. वो सब तो ठीक है यार, लेकिन इन सब के लिए पैसे कितने चाहिए? अरे फैजान, ये कोई 8-10 करोड़ की कहानी है. बस सिर्फ 8-10 करोड़ रुपए? हाँ, तो इतनी सारी रकम जो है तू अम्मा की कब्र से लाएगा या अब्बा के फरिश्तों से मंगवाएगा? यार फैजान बस सोच, इतनी सी रकम का अगर इंतजाम हो जाना तो आगे जिंदगी सुकून में. अबे अयाज, अगर इतनी सी रकम हमारे पास हो तो हम आगे काम ही क्यों करेंगे? फैजान देख, मुझे ना तुझसे इस तरह की बात की उम्मीद नहीं है. अरे अयाज, करोड़ों की बात छोड़ ना यार, जो चीज हाथ में उसकी बात कर. हाँ तो खाली है? बिल्कुल ठीक, मुझे पता था, बिल्कुल तेरे दिमाग की तरह. फैजान, ये तो दादी की आवाज है. नहीं नहीं, मेरे ख्याल से जो दादी गिरी उनकी चीख की आवाज है. वाह इंस्पेक्टर फैजान, वाह. अबे लेकिन ये आदि कहाँ आए, पता तो चले दादी को हुआ क्या है. अबे काम करते ना, हम खुद चल के देखते दादी को. आ जा. अबे चल, मैं क्यों जाऊँ, आदि की दादी को खुद आके देखे वो. यार फैजान, तू दादी से इतना डरता क्यों है? अबे डरता नहीं यार, वो मारती है नील पड़ जाता है यार. ओ आदि आ गया. ओ आ गया आदि. फैजान मैं भी कह रहा हूँ प्लांट लगा ले. दादी का? अबे दादी का नहीं, गैस का. आदि, आदि हाजिर हो. क्या हो गया है दादी, क्यों पूरे घर में शोर मचा रही है? बताओ क्या मसला है. उठ 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 यहाँ से, तुम्हें हमारे सामने आने की तमीज नहीं है. हमारे सामने? दादी आप तो मुझे अकेले नजर आ रही हो, हम कौन है साथ में? हद अदब गुस्ताख, जबान दराजी करता है हमारे सामने. जाओ और हमारे लिए फ्रूट का इंतजाम करो. जबान दराजी? कौन सी शहनशाह की रूह घुस गई आपके अंदर? हद अदब, वरना मान सिंह को कह के हम तुम्हारी गर्दन उड़वा देंगे. अरे अल्लाह, ये क्या हो गया, मेरी अपनी दादी मेरा अपना सर कटाने की बातें कर रही है, कहां फंस गया हूं मैं? क्या बड़बड़ा रहा है सामने हमारे खड़े होके? कुछ भी नहीं दादी. दादी नहीं है हम, रानी है, वो भी शाहपुर की रानी. अरे कहां से रानी आ गई? टोकन शक्ल देखिए अपनी, रानी तो खूबसूरत होती है, शीशा ला के दिखाऊं आपको? टोकन कह रहा है, टोकन कह रहा है, जला के भस्म कर देंगे हम. भस्म कर दूंगी? अरे दादी ये जो जादूगरनियों का डायलॉग होता है. बकवास ना कर, हम रानी है, जो मर्जी कर सकते हैं, जुल्फाएं चाहे कुछ भी करें. हाँ कर लें कुछ भी, फिर हम साफ कर लेंगे. या अल्लाह मैं पागल हो जाऊंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ. खबरदार, जो हमारे दरबार के बाहर एक कदम भी निकाला, घुटनों से टांगे तोड़ देंगे तेरी. अरे नहीं नहीं दादी, हम तो यहीं खड़े हैं, हम तो कहीं बाहर गए नहीं, आप देखें आपके सामने खड़े. जरा करीब आ काला. जी जी. आज से हम दोनों एक हैं, तू मेरा खास आदमी है, हम दोनों मिलके इस महल पे राज करेंगे, राज. सबका क्या मतलब दादी, इस घर में तो फैजान, अयाज, शहजीन और वरदा ही तो रहते हैं. अरे ये बात तो है. ओ ये दोनों भी हैं. एक बात बताएं, ये जो आप राज करने वाली बात कह रही थी और मैं आपका खास बंदा हूँ, ये मजाक तो नहीं कर रही? ए हमारा मजाक है तेरे साथ? ए आपसे आपके मुंह कौन लगेगा. खैर इस बात का समझ आ गया कि आज ये रानी बनी और आज ये सर कटवा के छोड़ेंगे. अब देखना कैसे हयास, फैजान, वरदा, शहजीन को मैं अपने घुटनों के नीचे जमा. आदि कंधे चढ़ा. क्या देख रही है तू? खबरदार निगाहें नीचे कर.
अरे शक्कर भंडारे मोरा पिया मस्ते मिलन आयो शक्कर भंडारे अरे किड़किड़ हसीन और उदासी आ गए पूरे 83-84 किड़किड़ हसीन और उदासी आ गए 83-84 आपने ये शक्कर बांटना बंद करो और पिया को साइड पे कर यार आदी वो दादी को क्या बता आवाज आई थी यार अच्छा जब मैं बाहर था तो उस वक्त तो शक्करे बांट रहा था अब जब मैं अंदर आऊं तो दादी को कहा गया दादी को कहा गया थे मैं आने ही वाला था आदि यार इतनी देर में तू आ गया रानी साहिबा ने कहा है कि उनके लिए फल और फ्रूट लाए जाए रानी कौन रानी अबे दादी की बात करो टोकन अबे तो सीधे सीधे दादी बोला रानी रानी क्या लगाया हुआ है नहीं अब वो दादी नहीं रही अब वो शाहपुर की रानी बन गई आदि मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा तेरी समझ में नहीं आ रहा ना तो खुद जाके रानी साहिबा से मिलने हैं मैं क्यों मिलूं अरे ना मिल तेरी मर्जी है रानी साहिबा ने कहा कि जो उनकी बात नहीं मानेगा वो उसका सर कलम कर देंगे आदि तेरी बातें सुनकर मेरे सर में दर्द हो रहा है यार हाँ तो जब सर ही नहीं होगा दुखेगा कहाँ से ना रहेगा सर ना बजेगी बांसुरी तू कहीं सीरियस तो नहीं है यार मैं बहुत सीरियस बोल रहा हूँ फैजान अच्छा एक काम करते मैं आयाज को भेजता हूँ ठीक है आयाज इधर देख इधर देख खजा ऐसे काटता है सर आयाज खजा आयाज आयाज खजा देखो शहजीन तुम ना बात को समझ नहीं रही हो मैं हूँ एक्चुअली थोड़ा सा मसरूफ आदमी बिजी रहता हूँ ना इसलिए मेरे ध्यान से निकल गया तुम और बिजी मसरूफ तुम कौन सा इतना बड़ा कोई बिजनेस चला रहे हो जो मसरूफ हो गए देखो तुम अब बात को ना कहीं और ले जा रही हो देखो यार तुम भूल कैसे सकते हो कि दुनिया में मैं भी हूँ क्यूट चलो एक काम करो मुझे मारो कि मैं इतनी बड़ी बात भूल गया कि तुम दुनिया में हो आयास मैं वेट कर रही थी कि तुम कोई छोटा मोटा ऐसी कुछ गिफ्ट दे दो चलो बताओ क्या चाहिए तुम्हें देखो इट इज ऑल अबाउट टाइमिंग और वो तुम्हारे बस की बात नहीं है क्या मतलब है तुम्हारा भाई ये कि अब मोमेंट किल हो चुका है ना अब तो कुछ नहीं हो सकता शजीन मैं हर वो मोमेंट मोड़ के वक्त ले आऊंगा यहाँ पर तुम एक बार बस देखो मेरी शक्ल देखो मैं कितना क्यूट सॉरी ची सो चीप इतनी भयानक शक्ल बनाई है ना तुमने अपना मुंह ठीक करो और सीधे तरीके से बैठो तुम बस आज मुझे शॉपिंग के लिए लेके जाओगे ठीक है डन हेलो हाँ फैजान हाँ घर में अबे अपने घर में और किसके घर में होंगे यार हाँ दादी मुझे क्यों बुला रही हैं अच्छा एक देख देख पता ना एक बात है कि आज ना मैं अपनी शेजीन डार्लिंग को ना मैं शॉपिंग पे लेके जा रहा हूँ तो शॉपिंग जब तक नहीं होती मैं किसी से मिलूंगा नहीं किसी से बात नहीं करूंगा दादी को बोला थोड़ा होल्ड पे रहे मैं आता हूँ ठीक है ओके बाय चलो शॉपिंग पे हाँ लेकिन पहले मैं घर जाके ना चेंज करूंगी सही तो लग रही हो क्या झूठ तो मत बोलो यार देखो मैं कितनी बुरी लग रही हूँ अरे मजाक कर रहा था भाई मजाक मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ हेलो हाय जान कैसी हो जान हाउ क्यूट नहीं क्यूट नहीं सर रोमांटिक कहते हैं हाँ एक ही बात है ना मेरी जान एक सेकंड पहली बात तो ये कि मैं सिर्फ फैजान हूँ और ये मेरा क्या होता है अपना अपना सा लगता है ना अच्छा बात सुनो यार दादी की तबीयत ना थोड़ी सी खराब है उनको एक नर्स की जरूरत है ओ तो हॉस्पिटल फोन करो ना डफर मुझे क्यों बोल रहे हो डफर मेरी पूरी बात तो सुन लो आदि को भेजा हॉस्पिटल जब तक वो आता है ना तुम थोड़ी देर जाके दादी के पास बैठ जाओ हाँ वेरी गुड मगर एक शर्त शर्त कौन सी शर्त तुम भी मेरे साथ चलोगे वरदा मेरे बच्चे अगर मैंने साथ जाके बैठना है तो नर्स का मकसद ही खत्म हो जाएगा ना मगर मुझे क्या मिलेगा दादी की दुआएं ए हाय हाउ ओल्ड फैशन फैजान तुम मुझे क्या दोगे वरदा मेरा दिल तो तुम्हारे पास है ओके क्यूट इतनी बेवकूफ लड़की तो मैंने काफी अरसे से नहीं देखी शाहपुर के इर्द गिर्द छे कोस दूर जब हमारा नाम आता था तो बच्चे रो रो के माओ को तंग करते थे आओ आओ खबरदार हद-ए-अदब मलूजा खातिर हमारे दरबार में तुम्हें दाखिल होने की हिम्मत कैसे हुई वाओ आपने अपने कमरे का नाम दरबार रखा है दैट्स सो कूल आपको पता है बचपन में ना मैं खेलती थी रानी का दरबार सच्ची हाँ उठो हमारे तख्त पे बैठने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई दादी अब आप रूड हो रही हैं तुम्हें आदि ने नहीं बताया कि हमारे दरबार के क्या उसूल है और वो फ्रूट कौन लाएगा मुझे क्या पता आपके फल कौन ला रहे कहाँ और क्यों नहीं आए तुम्हें नहीं पता हमारे फ्रूट कब और कैसे आएंगे आपको क्या हो गया दादी हैं खबरदार जो हमें दादी के नाम से पुकारा हम रानी हैं रानी की झांसी झांसी की मेरा मतलब है शाहपुर की रानी हाँ हाँ शाहपुर की रानी बात सुनो ये पंखा पड़ा झल दो यार गर्मी लग रही है दुपट्टा हद अदब ये पंखा उठाओ और हमें झलो जी हाँ उठाओ
उठाओ ना पंखा, झल दो, गर्मी लग रही है यार, क्या करें। हाँ जोर जोर से झल, जोर से, शाबाश। आदि, चलो आदि को फोन मिलाओ और उसे कहो कि हमारे फ्रूट का इंतजाम अभी तक क्यों नहीं हुआ। तो गए खबरदार, यही खड़े खड़े फोन निकालो, फोन करो, और खबरदार हवा ना रुकने पाए पंखे की। चलो झलो। हेलो आदि, दादी को क्या हो गया है? दादी को कुछ नहीं हुआ, जितनी तुमसे बात की गई है उससे इतनी बात करो, हमारी बात कराओ। हेलो आदि, यार वो फ्रूट वगैरह नहीं लेकर आया, हद अदब। तुम्हें फ्रूट का कहा था, तुमने इस किस्म की कनीजे क्यों भेजी बेवकूफ किस्म की, हैं? बादशाह की फ्रॉक पहन के आ गई, सबको भेजो ताकि हम हुक्म सादिर करें। हाँ ये बात करो दादी से, चलो पंखा जल्दी जल्दी से चलो। अरे रुक जाओ, कोई कहीं नहीं जाएगा। अभी होश में तो आ, क्या हो गया? कोई कहीं नहीं जाएगा, रानी साहिबा ने कहा सब घर के अंदर रहेंगे। आदि हमारा टाइम जाया ना करो, हम लेट हो रहे हैं, हमें शॉपिंग पे जाना है। अब कोई शॉपिंग पे नहीं जाएगा, अब यहाँ वही होगा जो शाहपुर की रानी चाहेगी। शाहपुर की रानी? अभी ये कौन सी भला है? भला नहीं है, शाहपुर की रानी मेरी दादी है। अयास तुम इसे मारो कि मैं मारूं? आदि ये तू बोल कैसा रहा है, और ये दादी रानी कहाँ से बन गई? जहाँ से उनका दिल कर रहा था वहाँ से हो गई, और मैं उनका खास आदमी हूँ, समझ आई? यार आदि देख, मैंने इतनी मुश्किल से प्लान बनाया, यार प्लान खराब मत कर भाई प्लीज। आए रानी साहब ने कहा कि हद बुलाए थे, सभा के अंदर उनके पैर दबाएंगे, मैं उनका खास आदमी हूँ, मैं किसी को कहीं नहीं जाने दूंगा अंदर, चलो। तू उस वक्त आदमी नहीं लग रहा, तू उस वक्त मुझे मेहंदी का ड्रम लग रहा, समझा ना? अयास ये लेम जोक्स बंद करो तुम, इग्नोर मी, लेट्स गो। ओके, शाहपुर की रानी का फरमान है कि दोनों के दोनों उनको अंदर चाहिए टांगे वाला। ठीक है तुम रुको, मैं जरा दादी को देख जाता हूँ। लगता है तुम्हें आवाज नहीं आई है, मैंने कहा दोनों के दोनों को बुलाया अंदर, चलो शाबाश। चलो यार चल के देखते कि दादी पे आखिर क्या अजाब आया है, चलो। बर्दा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? फैजान ने कुछ बोला? बताओ बताओ, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। दादी ने, यार ये आखिर दादी को हो क्या गया है? वहाँ आदि पागल हुआ है, यहाँ तुम रो रही हो। क्या हो गया दादी को? अब लगता है मुझे खुद जाके इस बुढ़िया को ना हैदराबाद छोड़ के आना पड़ेगा। इस औरत की वजह से मेरे प्यारे से आशियाने को नजरें बंद लग गई, निजाम दरम बरम हो गया है। वाह यार वाह, क्या उर्दू बोली है, तुम लोग ऊपर जा रहे हो? हाँ। क्यों? जाके देखो ना कि हुआ क्या है भाई, मतलब ऐसा क्या हो गया कि हर कोई तंग आ रहा है। पहले वो कह रहा है फैजान की दादी के पास जाओ, फिर आदि कह रहा है दादी के पास जाओ, देखो तो है क्या? नहीं 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 नहीं, तुम लोग ऊपर नहीं जाओगे। क्या ये करण अर्जुन की माँ बनी है भाई, व्हाट इज दिस सस्पेंस फॉर? वाह यार वाह, अंग्रेजी भी बोली है दादी जो है ना, वो किसी शाहपुर की रानी बन गई है। शाहपुर की रानी? क्या बकवास करी हो? हाँ। यार ये आज का दिन ही मनहूस है। और तुम लोगों को पता है आदि ना उनका कोई खास वो क्या कहते हैं वजीर है, और हम उनके गुलाम। क्या 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 क्या, हम उनके गुलाम है? हाँ। और पता है वो ना पागल ही हो गई है, अजीब चुड़ैल बन गई है, एक घंटा मैंने अभी पंखा चलाया उनको। वरदा तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं दादी की ये मजाक कि हमारे घर में रहकर हमें गुलाम बना रही है। What is going on यार? This is the advantage of the... अरे यार तुम तो उर्दू में बोल लो। मैं कह रहा हूँ शरीन, तुम बैठी रहो, मैं जाके देखता हूँ दादी का मसला क्या, अभी पता चल जाएगा, देखता हूँ। अयास ऐसे मत जाना, कुछ ले जाओ साथ। मैं अपना हौसला अपने साथ ले जा रहा हूँ, ये काफी नहीं है। तुम तो रोना बंद करो, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। दादी दादी, अरे दादी, दादी डरा दिया तूने मुझे, डरा दिया। अच्छा जी, पहली आवाज में क्यों नहीं आया? सॉरी दादी, वो काम कर रहा था। दादी नहीं, अबे भाई रानी हूँ मैं, क्या हो गया? शाहपुर की रानी, रानी है हम शाहपुर की। शाहपुर की रानी? हाँ। इसका मतलब वरदा सही रो रही है बाहर। कौन रो रहा है? अरे कोई नहीं, क्या क्या कोई काम? हाँ ऐसा करो। हाँ? वो ना बात सुनो। हाँ? जाके बाथरूम में जाओ और टब में पानी भर के लाओ। ये तो बकरे बहुत दूर है, बकरे के लिए थोड़ी मंगा रहे, पैर धो हमारे लाके। पैर धोने? हाँ। अच्छा बात सुन। हाँ? जूते कौन उतारेगा? जूते उतार दो ना। अभी तो आपने कहा जूते उतारो। नहीं नहीं, जूते उतारे जाए, नाक बंद कर ली जाए इससे पहले के बेहोश हो जाओ। अच्छा हमारी नहीं, अपनी। अच्छा, अपनी। हाँ
उतारो। सही है? जाओ। गर्दन गर्दन किसको लाओ? जल्दी लाओ। आया 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 आया। जल्दी लाओ, रखो। अबे ये मान सिंह कौन है भाई? मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा? कोई जिनविन तो नहीं है कहीं? ये लो, ये देखो। आह, अरे कितना मजा आ रहा है भाई का, है? है ना? बड़ा मजा आ रहा है। हमारे पैर धो जाए। शाबाश। अरे तुम्हारे हाथ तो कनीजों से भी नरम है, नाजुक। दादी अपने पैर भी तो देखो ना, घोड़े के लग रहे हैं। खबरदार मान सिंह, इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। अच्छा दादी एक बात पूछूं? रानी जी, जी रानी साहब एक बात पूछूं? नहीं, काम कर अपना। अच्छा। बस तलवार पकड़ हमारी। हाँ क्या हुआ, मैंने चौका मारा है क्या? थप्पड़ मार देंगे तुम्हारे मुंह पे। तखलिया। तौलिया? तौलिया कहाँ से लाऊं? तखलिया, कमीने, तखलिया कहते हैं। बाहर दफा हो जाओ। अच्छा जाऊं मैं? हाँ, तलवार हमें दे जाओ। जाओ। ए हमारी जूते जूते छोड़ दिया। ना ना, हमारी जूते तुम नहीं लेके जा सकते। हमारी जूते पागल पागल। तो ये बात है। पता है वरदा आंसुओं के साथ रो रही थी। आंसुओं के बगैर कौन रोता है शहजीन? यार आई मीन शी वाज रियली हर्ट फैजान। 6 साल से आदि मेरा दोस्त है, आज तक उसकी आंखों में मैंने अपने लिए इतनी बेवफाई नहीं देखी। यार तुम यहाँ बैठ के क्या ये फिल्मी डायलॉग बोले जा रहे हो? कुछ सोचो। सोच रहा हूँ शहजीन, सोच रहा हूँ। सोचना ही पड़ेगा। तुम्हें पता है अयाज भी दादी के कमरे में गया था, अभी तक वापस नहीं आया वो। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि जब दादी गिरी थी तो उनके दिमाग पर चोट लगी, उनका दिमाग का वजन हिल गया हो। यार यहाँ पे कोई मूवी थोड़ी चल रही है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आदि की दादी है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर अब हम क्या करें? रिवर्स इफेक्ट। मतलब? मतलब ये कि जहाँ चोट लगी वहाँ दोबारा मारो तो इंसान ठीक हो सकता है। और अगर गलत जगह चोट लग गई तो? और अगर चोट सही जगह लग गई तो? रिस्क है फैजान, अगर दादी को कुछ हो गया ना तो हम दोनों पर इल्जाम आएगा। देखो अगर हमने कुछ नहीं किया ना, सारी जिंदगी उनके गुलाम बने रहेंगे हम। अयाज क्या हुआ है? जिंदगी में कभी इतना जलील नहीं हुआ मैं। ऐसी बात नहीं, वो मस्जिद वाला सीन भूल गया क्या? बहुत बैड सीन था वो तो है, लेकिन फैजान क्या हो गया दादी को? बस अब मैं जाऊंगा दादी से मिलने। एक मिनट हल्का हो जा, जाना तुझे वैसे ही पड़ेगा, उन्होंने बुलाया तुझे। यार या फिर दादी ऐसा करती क्या है, पहले वरदा और अब तुम? तू टेंशन मत ले, तुझे भी बुलाया है। मैं छोड़ूंगी नहीं दादी को, देखो बेचारे का क्या हाल कर दिया, देखो जरा। बस शहजीन अब तुम और मैं उनसे मिलने जाएंगे, और हाँ हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। एक काम करना, 2 किलो आम ले आना, खाली हाथ में बहुत मारती है वो। अब फैजान आई थिंक हमें पहले जाके देख लेना चाहिए कि दादी के कमरे पे ऐसा चल क्या रहा है। अरे हो क्या रहा है क्या मतलब है यार, वरदा कहीं रोती हुई आई, अयाज क्या रोता हुआ है, अब क्या जाके देखना कि वो कौन सा कार्टून दिखा रही है। हम जाएंगे और उनसे जाके लड़ेंगे, तुम जाओ बेलन लेकर आओ। देखो अपने रिस्क पे जा रहे तुम लोग, बेलन ले आओ। फैजान आराम से, फैजान फैजान के पास तलवार भी है। मान सिंह मेरा मतलब है आदि, अब तो देखना आज से ना ये सब हमारे हुकुम का गुलाम होंगे। रानी माँ आप ग्रेट हैं। अब तुझे सब आदि नहीं शहंशाह आदि कह के बुलाया करेंगे ऐसे। रानी माँ आप ग्रेट हो। अब बात सुन, वो ना मुझे लग रहा है वो लोग आ रहे, वो नारा लगा ना वो जब होता है वो शहंशाहों के लिए। जी रानी माँ, जी रानी माँ। सदरे लांडे कुरंजे सदरे गार्डन में लौट से वैसे साथे इस गार्डन आज मैं बाहर कुरंजे भाई है। नहीं वो हद्द अदब। ओ भाषा वाला हद्द अदब हद्द मुलायदा। हाँ शेर ठुड़बा। वाह भाई आती आज बड़ा तीर की तरह सीधा खड़ा तू। बकवास नहीं कर, तेरे स्कूल की कैंटीन नहीं है, ईरानी अम्मा का जो है महल है। फैजान तुम आदि को बातों में लगाओ, जब तक मैं दादी के सर पे बेलन मारती हूँ। आदि ये दोनों कौन लोग हैं? रानी अम्मा ये दोनों भाई नौकर हैं, आपकी खिदमत करने आए हैं। खिदमत के लिए आए? उनसे कहो कि हमारे पीछे आके, मेरा मतलब है सिर्फ हमारे कंधे दबाए। हाँ काम चोरों सुन लिया, रानी अम्मा के पीछे आओ और सिर्फ कंधे दबाओ, ठीक है? और इतनी देर हम लच्छी बनाते हैं। जी जी। अबे आदि दीवार पे स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन दादी मुझे पहचाना? दादी देख मैं कौन हूँ। आदि
क्या बकवास कर रहे हैं? फैजान, फैजी, बेलन के तुम्हारे हाथ में क्या यार हो क्या? तलवार लेके क्यों खड़े हो? वो मैं इजहार में डालना था ना। तुम दोनों हमारे गुलाम हो, जरा पीछे के बात करो। अरे पागल वागल तो नहीं हो गया तू पागल? अब हाँ बेटा बताओ ये कौन है और हम दोनों कौन है? ये रानी माँ है, मैं इनका वजीर हूँ, तुम हमारे नौकर हो। मैं तुम्हारा डैडी हूँ, और डैडी किस तरह मारते मैं तुम्हें बताता हूँ। बेटा तेरा बेलन देना। Why not sir? अरे वजीर के बच्चे। एक मिनट। हाँ? अरे अच्छा फोन आया है, जरूरी है। तुम तो कर क्या रहे हो यहाँ पे वैसे? हेलो ये अम्मी, घुटनों का ऑपरेशन करवा लिया? हाँ क्या लगवाया घुटनों की जगह? कैमरा लगवा लिया? चलो ठीक है, वैसे भी आजकल घुटने बड़े चोरी हो रही है यार, बंदा देख रहे थे कैमरे से। हाँ गाँव में मरे हुए बच्चे याद कर रहे हैं मुझे? मैं अभी आया अम्मा, मैं अभी आया यार, गाँव में मरा हुआ बच्चा मुझे याद कर रहा है। मैं हो क्या? अबे रुक, तेरी तो।